भागवत में एक प्रसंग आता है राजा नहुष का, प्रसंग सुनाऊंगा रामचरितमानस का, एक सेकंड सुने। राजा नहुष सशरीर स्वर्ग गए, और जब स्वर्ग गए तो स्वर्ग के देवताओं से उनका मिलन हो रहा था। लोग परिचय करवा रहे थे, जैसे कहीं जाओ तो इंट्रोड्यूस कराते हैं, वैसे परिचय करवा रहे थे, ये इंद्र हैं प्रणाम, ये अग्निदेव हैं अरे महाराज जय हो प्रणाम, ये वरुण देव हैं जय हो महाराज आपके बिना जीवन नहीं, ये सूर्यदेव ये चंद्रदेव, ऐसे परिचय करा रहे थे। लेकिन वहां दो लोगों से और परिचय करवाया, ये कामदेव हैं और ये अर्थदेव हैं। अब राजा नहुष बोले ये भी कोई देवता हुए, कामदेव और अर्थदेव, ये कोई देव है, उनकी अवहेलना कर दी उन्होंने। अच्छा, इस संसार में देखा जाए तो जितने भी क्राइम हैं, क्राइम रिलेटेड टू मनी एंड क्राइम रिलेटेड टू, दो ही वजह ही हैं क्राइम की, समस्याओं की। लेकिन अगर कोई कहे कि काम गलत ही है, अनर्थ ही है, या फिर लक्ष्मी अनर्थ ही है, तो ऐसा किसी धर्माचार्य को नहीं कहना चाहिए। क्यों? पूर्णतः गलत नहीं है। अर्थ नहीं होगा तो आप कथा सुनेंगे, ये कैमरे लगेंगे, ये प्रसारण होंगे, ये माइक लगेगा, ये पाठ होगा, भोजन होगा, क्या भोजन भी कर पाओगे? अर्थ हो लेकिन अर्थ का अनर्थ ना हो। अगर अर्थ का अनर्थ हुआ वो गलत है, वो रॉन्ग है। आप पैसा है मदिरा पान कर रहे हैं, गलत है। आप पैसा है मंदिर जा रहे हैं मंदिर बनवा रहे हैं, अच्छी बात है। आप पे धन है आप जुआ खेल रहे हैं, गलत है। लेकिन आप पे पैसा है आप गरीबों को एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छी बात है। वही अर्थ आपको अच्छा मार्ग पे ले जा सकता है और वही अर्थ आपको रॉन्ग साइड ले जा सकता है। इसलिए अर्थ मीन्स धन पूर्णतः गलत नहीं, उसका यूज कैसा है उस पर डिपेंड करता है। काम, अगर काम प्रतिक्रिया नहीं हो तो संसार आगे कैसे चलेगा? काम गलत नहीं है लेकिन उसका प्रयोग, बोले सुयोग्य कन्या से शादी हो, सजातीय कन्या से शादी हो, फिर एक बार ध्यान से सुने, सजातीय कन्या से ही शादी करें। अगर आप अपने पितरों का कल्याण चाहते हैं तो, अपने पितरों की मुक्ति चाहते हैं तो सजातीय कन्या से ही विवाह करें और एक सुयोग्य संतान उत्पन्न करें। इसके लिए काम बनाया, सुयोग्य कन्या सुयोग्य संतान का जन्म दें जिससे तुम्हारे बाद तुम्हारे पितरों का वो तर्पण कर सके और जल दे सके। अगर हम कहें कि काम गलत है, अगर हम कहें कि अर्थ गलत है, तो महाराज सृष्टि का प्रावधान ही बदल जाएगा, नियम ही बदल जाएगा, स्थिति ही बदल जाएगी। इसलिए मर्यादा में ही सब उचित है। अब देखो, धन होना चाहिए लेकिन लंका या द्वारका? जोर से बोलो, लंका भी सोने की है और द्वारका भी सोने की है। अब कौन सी नगरी चाहिए सोने की तुमको? जोर से बोलो। आज भी लोग जाते हैं द्वारका में जाके सर झुका देते हैं, लेकिन लंका में एक बार हनुमान जी गए और जला कर राख करके आ गए। अगर अधर्म से धन कमाओगे, अगर अधर्म से धन कमाओगे तो कोई हनुमान आएगा और तुम्हारी लंका को जला के राख कर देगा। परंतु अगर धर्म के पथ पर चल के धन कमाना गलत थोड़ी है। अरे अगर तुम धनवान बनोगे तो 400 लोगों को जॉब दे सकोगे, 400 परिवार पलेंगे तुम्हारे यहां से, बुरा नहीं है। लेकिन वो द्वारका हो, लंका ना हो, वो लंका नहीं होनी चाहिए। द्वारका होगी तो आदर के पात्र, क्योंकि हम सबका रोल मॉडल कौन है? रावण नहीं है, हम सबका रोल मॉडल द्वारकानाथ है, श्री कृष्ण है, गोविंद है। इसलिए धन कमाना को, अब बहुत से लोग गालियां देते हैं,
चार दिन पहले एक गरीब था, अब अमीर क्यों हो गया? अरे भारत सरकार क्या कहती है, गरीबी मिटाओ, गरीबी कहती है ना, अगर दो चार आदमी गरीबी मिटा के आगे बढ़ गए तो तुम्हारी कीटाणु क्यों कौंध रहे भाई, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? या तो ये कहो कि कोई गरीबी से नहीं बाहर जाएगा, सबको कह दो गरीबी से निकलना दंडनीय अपराध है, उसे सजा दो। किसी के भाग्य को ले जाओगे, किसी की मेहनत को ले जाओगे क्या? भगवान कर्म के अनुसार धन देता है, न समाज देता है, न कोई राज्य देता है, न कोई कानून देता है, भगवान ही कर्म के वशीभूत होकर अब उसका फल उसको देता है। हम लोग तो देखते हैं कोई थोड़ा बहुत धनवान हो जाए तो उसके पीछे चार आदमी पड़ जाते हैं। अरे भारत सरकार कहती है भैया गरीबी से गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ, हैं? और कोई दो चारों की गरीबी मिट जाए तो उसे फिर वापस खींच के लाओ, फिर गरीब बनाओ, फिर गरीब बनाओ, ये कोई बात हुई? भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे देश में कोई गरीब न रहे, सब पे अपने साधन हो, सब पे अपनी व्यवस्था हो, सब अपने चकाचक भगवान का भजन करें, सब इतने सामर्थ्यवान हो कि अपने द्वारा भगवान की कथा भागवत पंडालों में अपने अपने शहर अपने अपने गांव में कराएं।